बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लम्बिंग एक्सपर्ट आर्यन चैनल में। दोस्तों आज आप लोग को इंडियन टॉयलेट लगाने के बारे में बताऊंगा, जो भारतीय शौचालय होते हैं वो कैसे लगाते हैं। इसलिए पहले बाजू वाला दीवार से 18 इंच पे मिनिमम दाग मार लेंगे, या सेंटर होगा बाजू वाला दीवार से जिस साइड में आपका दीवार आ रहा है, और पीछे से मिनिमम 10 इंच रखना पड़ेगा सेंटर, 10 इंच सेंटर रखना पड़ेगा। और अपना हाइट भी देख लेंगे कितना आउटली ऊँचा बनेगा, इसके ऊपर हमसे 12 इंच हाइट रहेगा मुर्गे के ऊपर से। चलो जहाँ पे मुर्गा रखना वहाँ पे बराबर उसे तोड़ देना है, और वहाँ पे जो इच्छिना मिट्टी का मुर्गा हाइट कम होता है वो ज़्यादा ऊपर नहीं आता तो बराबर रहता है। देखिए पहले इसको ऊपर बिठा के चेक कर लेंगे समथिंग, उसके बाद जो टेम्पोरारी लेवल देके सपोर्ट देके चेक कर लेना है कि बराबर बैठ रहा हो, कितना हाइट चढ़ जाए आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर लेवल भी चेक कर लेना है कि ज़्यादा तो मुर्गा बराबर तो है ना, मुर्गा अगर बेंड होगा तो फिर ये कमर भी, ये जो अपना इनर टाइप भी बेंड होगा। देखिए पीछे से बराबर नाप ले लेना है, इक्वल टू इक्वल कोई भी एक बाजू इक्वल रखना है, क्या पीछे के साइड को भी इक्वल टू रखना है। देखिए ढलान थोड़ा सा रखा है पाइप में, ज़्यादा पूरा ज़्यादा नहीं है, फिर पाइप मुर्गा में पानी नहीं बचेगा। देखिए अब माल बना के रेती वाला माल बनाना है, किसी में कपचे वाला माल नहीं, ठीक है। और मुर्गा जो मुर्गा जहाँ बिठाएंगे मुर्गा की जगह पे देना है। देखिए नीचे तो क्या ना, मुर्गा के नीचे सपोर्ट नहीं आएगा तो मुर्गा ढप ढप करेगा और मतलब आवाज़ मारेगा, उतना मतलब उतना कम ईजी नहीं रहेगा, तो इसलिए मुर्गा के जगह पे माल देना पड़ता है और उसमें से ईंट पीट देके सपोर्ट देके पूरा मजबूत करना पड़ता है मुर्गा के जगह पे। और ईंट टुकड़ा टुकड़ा ईंट डाल के सपोर्ट दे दो, क्योंकि अपना वजन झेल पाएगा और उस जगह पर वजन रहता है ना इंडियन टाइप का पूरा उसके ऊपर, तो उतना माल दो तो मजबूती हो जाएगा। और कपची वाला माल भी दे सकते हो, दिक्कत नहीं है कुछ। और मुर्गा के नीचे आप जो रेती वाला माल होता है वो दोगे तो सब बराबर रहेगा। तो देखिए जो चैम्बर में कनेक्शन हो रहा है इसको भी पूरा देना है। चलिए इसका पार्टीशन बना देना है, क्योंकि मिनिमम के ऊपर जहाँ से पार्टीशन है वो थोड़ा ऊंचा पड़ता है इंडियन टॉयलेट की जगह में। अगर आपका अंडरग्राउंड हो रहा है बाथरूम का लेवल से, अगर डाउन में खड्डा है वो, अगर उसके नीचे करना है तो पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एरिया ऊंचा आ रहा है, मतलब बाजू वाला एरिया से ऊंचा उठ रहा है चढ़ रहा है, इसलिए पार्टीशन करना पड़ेगा। पार्टीशन करने के बाद में पार्टीशन को सीधा लेना है, बेंड नहीं हो जाए देखना है। चंतर का पार्टीशन कर सकते हो, बाजू में चैम्बर आ गया। और इसके अंदर ऐसा सिचुएशन है कि पहले यहाँ पे कुंडी था तो तोड़ के रेनोवेशन हो रहा है, तो हमें कुंडी के बाजू में एक टॉयलेट इंडियन टॉयलेट लेना है। और बाजू में एक मोड बांट का दे दिया हूँ, क्योंकि वहाँ से पानी निकल जाए कभी बारिश का पानी गिरे कि उछल के आ जाए। तो अब टेम्पोरारी सपोर्ट देके बस देख लेना है कि लेवल बराबर मिल रहा है, हाइट कितना चढ़ जाए अपने को आइडिया आ जाएगा। फिर ऐसा रखते हुए बाजू में पूरा छारा डाल देना है, लेवल चेक कर लेना टेम्पोरारी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो यार, लाइक कर दो पहले। और इसके बारे में आपका क्या कमेंट है, आपका क्या राय है बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कमेंट करना ना भूले। चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। चलिए इतना छारा पूर देना है, उसके अलावा अभी इसके इसी पोजीशन में आपको नीचे माल देना है रेती वाला माल। तो क्या नीचे आपका सिर्फ माल देके पूरा का पूरा फैला लेना है, क्योंकि जितना बड़ा एरिया में इंडियन टॉप आ रहा है ना उतना एरिया माल होना चाहिए, बाकी ना होगा चलेगा कोई बात नहीं। लेकिन और माल का ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आप पूरा आरसीसी का माल डालो इसमें कोई मतलब नहीं है कपची वाला माल डाल के। देखिए उसके आजू बाजू पूरा जितना बड़ा एरिया में टॉयलेट आ रहा है ना उसके नीचे से पूरा का पूरा अपने रेती वाला माल देके पैक कर लेना है। तो क्या है, और जो वाटका में जो मतलब मुर्गा में जो रेती वेती गया उसके अंदर से निकाल साफ कर देना है, निकाल देना है। और जितने जहाँ पे बैठेगा इंडियन टॉयलेट वहाँ पे साफ कर लेना है। अब देखिए अब ऐसा रख के अपने को एक बार टेम्पोरेरी रख लेना है, इसके नीचे से पहले थोड़ा सा माल डाल दो, क्योंकि इंडियन टॉप का वजन जो है माल के इसके ऊपर रहे, रेती वाला माल के ऊपर रहे, मसाला के ऊपर रहे, तो क्या अपना वजन झेल पाएगा नहीं, तो क्या अगर नीचे सपोर्ट नहीं हुआ कुछ चीज़ गिर गया तो टूट जाएगा। देखिए अब इतने दबाने में माल जो मसाला होता है मसाला खींच के बैठ गया। अब देखिए लेवल भी देख लेना है, लेवल दो साइड से देखना है कौन साइड चढ़ रहा है कौन साइड उतर रहा है, ठीक है। पानी सबका बीच में होना चाहिए और सामने वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा भी रहेगा ना दिक्कत नहीं है, क्योंकि ढलान सामने से थोड़ा भी रहेगा चलेगा, लेकिन सामने झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। देखिए पीछे से इक्वल टू इक्वल टू देख लेना कि दोनों बाजू समान एक ही माप होना चाहिए। और साइड से जो मसाला आता है रेती वाला मसाला उसको पूर देना है चारों बाजू से, क्योंकि उतना बड़ा एरिया को बराबर कंप्लीट करना है। और हाथ से भी हो सकता है सपोर्ट देके पूछ दो, क्या ना मजबूत रहेगा और कभी टूटेगा नहीं इतनी जल्दी, और कभी हिलेगा नहीं भी बिठाने के बाद में, समझ लो भोजन
ऐसा होता है कि लगाने बाद में हिल जाता है, तो क्या ना एक दिन दो दिन बाद यूज़ करना चाहिए, और टाइल्स भी एक दिन बाद लगाना चाहिए, तुरंत नहीं लगाना चाहिए। चलो देखिए, आपको जो पाड़ी दिख रहा है ना इंडियन टॉयलेट का, उसमें आधा ही माल चढ़ाना है लेवल में बिल्कुल, और आधा छोड़ देना है टाइल्स लगाने के लिए। टाइल्स लगेगा उसका उसका फेस टू फेस ही लगेगा, जो कमर का टॉप है टॉप से ही लगेगा, इंडियन टॉप का टॉप से ही लगेगा। अभी देखिए इसका साइड से एक बाजू से पूरा फिनिश करते हुए जाना है। अगर ये टब आप ख़रीदना चाहते हो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, इंडियन टब। इसका दो साइज़ का आता है, एक मतलब एक रेगुलर साइज आता है, एक बड़ा साइज आता है लॉन्ग बॉडी, और वो थोड़ा हाइट भी ज़्यादा होता है। तो दो का अलग अलग लिंक दूंगा, आप दो अलग अलग चेक कर सकते हो जाके। ये रेगुलर साइज़ है, ठीक है, सब जगह पर लगता है, और बड़ा साइज़ में बाथरूम भी बड़ा होना चाहिए, और हाइट भी ज़्यादा हाइट हो जाता है, ये 12 इंच के अंदर हाइट में हो जाता है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं प्लम्बिंग के बारे में बहुत सारा वीडियो लाता रहता हूँ, ला चुका हूँ। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर सकती हो, फॉलो कर सकती हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको खरीदना चाहते हो तो मंगवा लीजिएगा, परचेस कर लीजिएगा अमेजन से। गुड बाय, थैंक यू।